सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी वर्कबुक पढ़ा रहे हैं और लिखना सिखा रहे हैं। आपके बुक में श्याम पट पर हम सिखाएंगे कि आप अपने किताब में किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपकी किताब का नाम है शब्दारेख, ये आपकी किताब है। हम निकालेंगे आज पृष्ठ संख्या 24 और 25। 23 तक तो हम लोग कर लिए थे, उसी प्रकार से जिस प्रकार 22-23 एक पेज है, उसी प्रकार से 24 और 25 में एक ही तरह का वर्ण है। तो हम लिख के बताएंगे कि किस प्रकार से इस वर्ण को लिखते हैं, उसी प्रकार से आप लिखिएगा। झ, यहाँ भी झ, और देखिए ये शिरो रेखा देना नहीं भूलेंगे। यहाँ भी ठीक है। आप देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से लिखे, इसी प्रकार से आप लिखेंगे। फिर से वही लेटर, तो आपको नीचे डॉट डॉट दिया हुआ, आप उसी पर पेंसिल के माध्यम से हाथ चलाएंगे। ये डॉट डॉट जो है ना, आप हाथ चलाएंगे, शिरो रेखा देना ना भूलेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है ये ठ, फिर से हम वही लेटर को लिखेंगे, पूरे पंक्ति में देख के ही लिखना है, और काले रंग का जो लेटर है उस पर हम पेंसिल से हाथ चलाएंगे उस पर, और फिर हम वो जो डॉट वाला लेटर है उस पर भी पेंसिल से हाथ चलाएंगे, डॉट वाले पर भी और काले रंग का जो लेटर है उस पर भी। आपको लिख के हम बताए हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे, और शिरो रेखा देना नहीं भूलेंगे। शिरो रेखा जो हम ऊपर में देते हैं ट ऐसे ठ ठ, ठीक है। आप देख लिए, इसी प्रकार से आप अपने किताब में इधर सी डब्ल्यू देंगे, उधर डेट देंगे और पूरी पंक्ति को भरेंगे। आपका पेज नंबर 24 में भी यही है और पेज नंबर 25 में भी यही है, इसीलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी को देख के अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।